इधर कुछ कुछ दिख रहा है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिन बाद मैंने फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ। आज हम घर आ गए और मैं और मेरा दोस्त संजीत आज घूमने जा रहे हैं बोलपुर सबुज वन में। तो संजीत तुम कुछ बोलना चाहते हो? आज सबुज वन पार्क हम लोग सुना था बहुत कुछ, ये बहुत मतलब नया नया चीज देखने को मिलेगा, बहुत पेड़ पौधे मतलब बहुत खूबसूरत नजारा है। तो चलो हम लोग देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा है। अच्छा लगे तो आप लोग बोलना जरूर। तो चलो जाके उधर मिलते हैं, अभी जाके उधर मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। टाटा। हम लोग और कुछ ही देर में सबुज वन पार्क पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम लोग सबुज वन पहुंच गए। चलो अंदर जाके देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। गाइस जो मैंने सोचा था, जो मैंने सुना था इसके बारे में, सबुज वन के बारे में, उससे बहुत बहुत ज्यादा है। इधर मेरा दोस्त है, दोस्त के साथ मैंने घूमने आया। इधर देखो कितना खूबसूरत नजारा है, देखो कितना खूबसूरत नजारा है। ये गाछ भाई साहब, मैं तो दिल खुश हो गया इधर आके। इधर कुछ कुछ दिख रहा है, इधर कुछ मंदिर है, एक मंदिर है इधर देख लीजिए गाइस। ये मंदिर बहुत पुराना है लेकिन बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, अंदर क्या होगा पता नहीं। चलो देखते हैं, चलो अंदर अंदर जाके देखते हैं। हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएगा लेकिन चलिए जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है और इधर शायद ये शिव मंदिर होगा मेरे ख्याल से, पुराना मंदिर होगा। ये बहुत अच्छा मंदिर है घूमने के लिए, बहुत ज्यादा सही जगह है। बहुत मतलब बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत शांति भी है इधर। आप लोग भी आइए कभी गाइस, यहाँ से एक बार पूरा नजारा देख लो कितना बड़ा है। पार्क का थोड़ा सिनेमेटिक व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये पार्क का लोकेशन है बोलपुर से 12 से 13 किलोमीटर रसूलपुर गांव के पास। इस पार्क में इतना शांत प्रकृति है, बर्ड साउंड है, यहाँ पर आने के बाद घर जाने के लिए मन नहीं करता। देखो वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो रियल में आने के बाद कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए रूम भी है, कुछ अमाउंट चार्ज करके उसके साथ ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर प्रोवाइड करते हैं। तुम्हारा फैमिली के लेके इधर आ सकते हो और कुछ दिन रह सकते हो प्रकृति के साथ। रूम भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा नाइट स्टे करने के लिए। चलिए फिर से वीडियो में जाते हैं, आप लोगों को और भी कुछ दिखाते हैं इस पार्क में। बहुत सही है, बहुत सही जगह है घूमने के लिए, एकदम मस्त जगह है। गाइस चलो आप लोग ये बताओ ये कौन सा गाछ है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ ये बताओ कौन सा गाछ है, बोल सकते हो? कोई बता सकते हो तो बताओ, जल्दी कमेंट करो। गाइस आप लोगों को जरूर एक बार आ जाना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया जगह है, घूमने भी अच्छे है, देखने में भी अच्छे है। और यहाँ पर आप लोग पार्क में घूमने भी आ सकते हो, खुद को अपना कपल को लेके, इधर रहने के लिए भी जगह है। चलो गाइस और भी अंदर जाके देखते हैं क्या। चलो जल्दी चलो। यहाँ पर एक बैठने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, देखो कि पूरा मशरूम है, पूरा देख के लग रहा है ऐसे। तो बहुत पुराना चीज है लेकिन है तो दमदार, पूरा देख के लग रहा है, पूरा मशरूम टाइप का लग रहा है। अरे बंदर देखो इधर बंदर, अरे भाई डर लग रहा है, काटना ले देखना, मोबाइल छीन के ले जाएगा तो बंदर। ये देखो ये गाइस ये बताओ कौन सा फूल है, ये कौन सा पेड़ है बताओ। ये भी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है, कोई बता सकता है तो बताओ। अरे अभी सिर्फ बहुत बड़ा जगह है, अभी बहुत घूमना है। हाँ बहुत सारा जगह है घूमना है। ये देखो लग रहा है हम लोगों को देख के रुक गया, हम लोगों को कुछ करेगा लग रहा है। इधर देखो एक बैठने के लिए जगह है, इधर पूरा देख ले, देख के लग रहा है ओरिजिनल लेकिन डुप्लीकेट। इधर देखो एक बार सिप देखो एक बार, कितना अच्छा जगह है गाइस। आप लोग देखा कितना बड़ा जगह है, तो आप मैं एक बार जरूर बोलूंगा आप लोग एक बार हो सके तो आ जाओ, मतलब बहुत बढ़िया प्लेस है, आप लोगों को भी मजा आएगा।
देखने में बहुत कुछ मिलेगा, हो सके तो एक बार जरूर आना इधर। कितना अच्छा, इधर बैठने के लिए भी जगह है, इधर इधर बैठने के लिए जगह है। अरे गाइस आप लोग देखो कब से हम लोग घूम रहे हैं, मतलब कितना बड़ा जगह अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। इधर से देख लो, इधर से भी देखो कितना बड़ा, अभी तक बहुत दूर तक देखो कितना जगह है। चलो देखते हैं, अभी बहुत बहुत जगह घूमना बाकी है। इधर ना खेती बाड़ी कैसे करते हो वो भी देख सकते हो। ये देखो पीछे देखो, देखो ये क्या है, ये देखने में कैसा लग रहा है, ये क्या क्या है, देखो 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 देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की तरह ऐसे पंख फैला हुआ है। देखो चाइल्ड में कौन सा पैर है, ये कौन सा पैर है यार। तेरे को तो नाम नहीं पता लेकिन देखने में तो बहुत डेंजरस लग रहा है, लग रहा है ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ मुझे हम लोगों को पकड़ ना ले। चलो देखो इधर देखो, कुछ अलग सा पेड़ दिखाते हैं आप लोगों को, ये कौन सा पेड़ है बताओ, इसका पत्ता देखो, इसका केस देखो, ऐसा लग रहा है कि केला का पेड़ है पत्ता को देख के, लेकिन नीचे देखो तो पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है पता है तुम लोगों को तो बताओ। अंदर जाके देखते हैं क्या है, अभी तो पूरा पेड़ दुख रहा है, हमारा पूरा पेड़ दुख रहा है, क्या बताऊं इतना घूम गया अभी तो खत्म नहीं हो रहा ये पार्क। गाइस आप लोग आ जाए यहाँ पिकनिक करेंगे, तो पिकनिक करने के लिए प्लेस है बहुत अच्छा। गाइस अगर कुछ खाने का चीज होगा तो चुरा चुरी करके खाऊंगा, क्या कम रहेगा, चलो 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 घर खाने लगे, बैग में भर पाए, बैग में भर पाए, तो एक इसका नाम नहीं सही से पता लेकिन एक खाने का चीज है, ये खाने में खट्टा जैसे लगता है ना, ये देखो गाइस खाया है तो हम लोग सोच रहे हैं कि लेके चल जाए घर चुरा के। कितना कुछ देखना बाकी है लाइफ के अंदर, एक बार सिर्फ सबूज बनाओ और देख के जाओ। देखो आप लोगों को देख के लगेगा ये खजूर का पेड़ है, ऊपर से लग रहा है, नीचे से देखो ये कौन सा पेड़ है बाबा, देखो ये देखो, मतलब अलग ही लग रहा है कि अलग ही दुनिया में हम लोग हैं, ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और, देखो तो हमने मतलब पहली बार देख रहे हैं सब पेड़, हम भी पहली बार देख रहे हैं, हम लोगों को कुछ आता पता नहीं है इस पेड़ के बारे में, आप लोगों को कुछ भी पता है तो कमेंट में बताओ। एक बार नोटिस किया है हम लोग कब से घूम रहे हैं लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, हम लोग मतलब एक घंटा हो गया 1 आवर्स लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, इतना बड़ा पार्क है, जितना जा रहे हैं उतना अलग अलग पेड़ देखने को मिल रहे हैं। हम लोग जो बोल रहे थे अभी खाना पीना का भी जगह है, इधर खाना पीना भी मिलता है, देखो इधर खाना पीना मिलता है, इधर बैठ के पूरा खा सकते हो, खूबसूरत लग रहा है ना, दो देखने को लग रहा है कि कुछ नेचुरल टाइप का है लेकिन है कंक्रीट का बना हुआ है, मतलब तो होटल में बहुत खाया, रिसोर्ट में भी बहुत खाया लेकिन इधर देखो कुछ अलग टाइप का लग रहा है ना, देखो देखने में कुछ अलग ही टाइप का लग रहा है, अलग टाइप का लग रहा है ना, देखो यार देखो बहुत पुराना है लग रहा है ना, बहुत पुराना घर है और यहाँ पर खाना पीना बनता है और इधर सर्व होता है, मतलब इधर बैठ के तुम खा सकते हो और इधर तुम इधर बना सकते हो, और जितना भी पेड़ वहाँ पर दिखा है तुम लोगों को इतना सब कुछ पेड़ इधर मिल जाएगा देखने में, मतलब इधर इधर तुम खरीद सकते हो और घर में जाके तुम लगा सकते हो पेड़। देखो देखो एक बैठने के लिए जगह है, इधर भी बैठने के लिए जगह है पूरा, और इधर देखो एक पॉन्ड टाइप का है छोटा सा लेकिन यहाँ पर मछली भी है, देखो मछली एक कच्छप है, कच्छप भी है इधर। संजीत तू बता ये सबुज वन में आके पार्क में आके तुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या कैसे लगा तुझे? मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा, मतलब यहाँ आके मैं बहुत कुछ नए नए मतलब पेड़ पौधे देखा है जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखना, बहुत पेड़ों का तो नाम भी नहीं पता हम लोगों को लेकिन देखा बहुत अच्छा लग रहा, तो आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, और पेड़ 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 को देख के लग रहा है कि कुछ और ही पेड़ है, और नीचे से देख रहा हूँ तो कुछ और ही पेड़ है, कि ऊपर से देख रहा हूँ केले का पेड़ है, नीचे से देख रहा हूँ कुछ और ही पेड़ है, तो मतलब पता नहीं चल रहा है कौन सा क्या पेड़ है और नेम भी नहीं पता हम लोगों को, और तुम लोगों को पता है नेम तो प्लीज़ कमेंट करो। तो गाइस अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, शेयर तो मस्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और भी हम नया नया वीडियो लाते रहेंगे ऐसा ही धमाकेदार। तुम लोगों के लिए कितना मतलब
इतना दूर से आके हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।